मध्य प्रदेश के भोपाल व इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद सबसे स्वच्छ इंदौर शहर में हरि नारायण चारी मिश्र को प्रथम कमिश्नर के रूप में कमान सौंपी गई है, जिसको लेकर उनका कहना था कि कानून व्यवस्था को स्थगित करने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण क्षण है। इंदौर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ही कई तरह की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसी कड़ी में नवागत कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा का कहना था कि मुख्य तौर पर आंतरिक सुरक्षा, अपराधियों पर सख्त कदम और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण क्षण है। अपराधियों पर कड़े नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण पल है, महत्वपूर्ण क्षण है। पुलिस की चुनौतियां, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस आने वाले दिनों में इन मापदंडों पर अपने को खरा साबित करेगी, पूरी दृढ़ता से, प्रतिबद्धता से काम करेगी। हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लगातार मंशा रही है कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कठोरतम कार्रवाई करे, वज्र से भी ज़्यादा कठोर हो, और आम व्यक्ति हमेशा पुलिस को अपना एक सहृदय अभिन्न मित्र समझे, पुलिस को अपना एक सुरक्षा कवच समझे। इसलिए पुलिस की कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में सभी विभागों के साथ एक उचित समन्वय के साथ साथ एक नए परिवेश में अपने अधिकारों का सम्यक उपयोग करे, जिससे आम व्यक्ति अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे, आम व्यक्ति पुलिस को एक सुरक्षा कवच के रूप में दिखे, और लगातार पुलिस की प्रतिबद्धता से ये कोशिश जारी रहेगी। अभी शुरुआती दिनों में पुलिस से जो अपेक्षाएँ होंगी, जो पुलिस के संसाधन होंगे, पुलिस की जो चुनौतियाँ होंगी, इनका एक संक्रमण का दौर है। हो सकता है पुलिस के जो संसाधन हों और जो अपेक्षाएं हों, जो जिम्मेदारियां हों, उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, लेकिन पुलिस इसके अनुरूप अपने को ढालेगी। आने वाले समय में पुलिस संसाधनों को नए नियम कानून, नए प्रक्रियाओं से, नए परिवेश से अपने अधिकारियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करेगी, और उद्देश्य होगा कि पुलिस को जो भी सम्यक अधिकार मिलेंगे उसका एक निरछीर विवेक से उपयोग हो, सम्यक उपयोग हो, आम व्यक्ति अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे, अपराधियों में भय हो, इस भावना के अनुरूप पुलिस लगातार प्रतिबद्धता से काम करे। कमिश्नरी प्रणाली को लेकर पुलिस विभाग पर दायित्व बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षा और सम्मान मिले, इसके लिए पुलिस प्राथमिकता से काम करेगी और आम जनता को सरलता से न्याय प्रणाली तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए पूरा पुलिस विभाग इस कमिश्नरी के अधीन काम करेगा। खैर, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद संसाधन की कमी को लेकर उनका कहना था कि नई व्यवस्था मिलने के बाद धीरे धीरे आवश्यक संसाधनों को जुटाया जाएगा और नए अधिकारियों को उन संसाधनों के अधीन काम करने के अनुरूप बेहतर व्यवस्था स्थापित को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि शहर में बेहतर कानून व्यवस्था लागू की जा सके।